इस वीडियो में हम दंड आलेख के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में बार ग्राफ भी कहते हैं। अब तक हमने आंकड़ों को सारणी के रूप में निरूपित करना सीख लिया है। अब हम आंकड़ों को आलेखीय निरूपण, जिसे अंग्रेजी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, में निरूपित करना सीखेंगे। वैसे भी आपने सुना ही होगा कि एक चित्र 1000 शब्द से भी उत्तम होता है। अलग अलग आइटम्स मतलब मदों के बीच आलेखों द्वारा आसानी से तुलना किया जा सकता है, और वास्तविक आंकड़ों की तुलना में इस निरूपण को समझना अधिक सरल हो जाता है। इस भाग में हम दंड आलेख, एक समान चौड़ाई और परिवर्ती चौड़ाइयों वाले आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दंड आलेख के बारे में पढ़ते हैं। आपको याद होगा कक्षा 8 में हम दंड आलेख बनाना सीख चुके हैं। यहाँ हमें कुछ अधिक औपचारिक दृष्टिकोण से इन पर चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि दंड आलेख आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है, जिसमें एक अक्ष, मान लीजिए एक्स अक्ष पर चर को प्रकट करने वाले एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं, जिनके बीच में बराबर दूरियां छोड़ी जाती हैं। चर के मान दूसरे अक्ष, मान लीजिए वाई अक्ष पर दिखाए जाते हैं। दंडों की ऊंचाई चर के मानों पर निर्भर करती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एनसीईआरटी अभ्यास 14.3 का प्रश्न संख्या 3 हल करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, इसका हल देखते हैं। हम इन आंकड़ों का दंड आलेख निम्नलिखित चरणों में बनाएंगे। ध्यान दीजिए, पहली पंक्ति में राजनीतिक पार्टियों का नाम दिया गया है और दूसरी पंक्ति में उनके द्वारा जीती गई सीटों की संख्या। पहले चरण में कोई भी पैमाना लेकर क्षैतिज अक्ष पर हम राजनीतिक पार्टियों का नाम निरूपित करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि दंड की चौड़ाई का कोई महत्व नहीं होता है, परंतु स्पष्टता के लिए हम सभी दंड समान चौड़ाई को लेंगे और उनके बीच समान दूरी बनाए रखेंगे। दूसरे चरण में जीती गई सीटों की संख्या को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर निरूपित करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि x अक्ष पर चर और y अक्ष पर चर का मान लेते हैं, इसलिए यहाँ हमने x अक्ष पर पॉलिटिकल पार्टी का नाम और y अक्ष पर उनके द्वारा जीती गई सीटों की संख्या ली है। क्योंकि यहाँ अधिकतम जीती हुई सीटों की संख्या 75 है, इसलिए हम पैमाने का एक मात्रक बराबर 10 सीट ले सकते हैं। तीसरे चरण में हम पहले पार्टी ए द्वारा जीती गई सीट को निरूपित करने के लिए एक मात्रक की चौड़ाई और 7.5 मात्रक की ऊंचाई वाला एक आयताकार दंड बनाते हैं। चौथे चरण में दो क्रमांकित दंडों के बीच एक मात्रक का खाली स्थान छोड़कर अन्य मदों को निरूपित कर लेंगे। इस प्रकार हमें मतदान के परिणामों का दंडालिख मिल जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं पार्टी ए का दंड सबसे बड़ा है, इसलिए पार्टी ए ने अधिकतम सीटें जीती हैं, जो कि हमारे दूसरे भाग का उत्तर होगा। कृपया इस हल को अपनी कॉपी में लिख लें। अगले वीडियो में हम आयत चित्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में हिस्टोग्राम कहते हैं। धन्यवाद।